हेलो स्टूडेंट्स, ये इस लेक्चर सीरीज का आठवां लेक्चर है और इस सेक्शन का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक ऑल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है क्यू के पी के, दीज आर द ओल्ड सेट ऑफ पोजिशन मोमेंटम, ओल्ड सेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, इसके लिए हैमिल्टोनियन एच कैपिटल एच है, लैग्रेंजियन कैपिटल एल है, जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हैमिल्टन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें हैमिल्टन डिफाइन करते हैं जो वो क्यू पी क्यू के डॉट माइनस एल। सिमिलरली एक नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ये तो इसका सब कुछ डिफाइन है, हम करते आ रहे हैं। अब हम एक नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, सपोज इट इज क्यू के एंड पी के, इसको कहते हैं न्यू सेट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये दोनों आपस में रिलेटेड हों, एंड दीज टू आर रिलेटेड एज एंड दीज टू आर रिलेटेड एज क्यू के इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन इन न्यू कोऑर्डिनेट इज ए फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू वन क्यू के क्यू एन पी वन पी के पी एन एंड टी, एंड द मोमेंटम इन न्यू कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम क्यू वन क्यू के क्यू एन पी वन पी के पी एन एंड टाइम टी, ऐसा है। और अगर रिलेशन एंड इफ जो क्यू और पी जो है न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, सच दैट सैटिस्फाई हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, डेफिनेशन ऑफ हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टन प्रिंसिपल, देन दिस सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इफ इफ देयर एग्जिस्ट हैमिल्टोनियन एच प्राइम इन न्यू कोऑर्डिनेट्स such that qk dot is equal to del h prime by del pk and pk dot is equal to minus del h prime by del qk, where h prime is defined as p k q k dot man l prime q k dot t k, and also l prime d t 0 gives the equation of motion in terms of QK and PK, then transmission one, transformation one is called कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके एक और नाम है और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंपल है कि दो सेट
के बीच में एक कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन है, अगर नया सेट इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो ये ट्रांसमिशन कहलाएगा कैनोनिकल ट्रांसमिशन। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट कैनोनिकल ट्रांसमिशन। अब हम इसमें कॉन्सेप्ट आता है जनरेटिंग फंक्शन का, जेनरेटिंग फंक्शन इंडिकेट करते हैं एफ से, जेनरेटिंग फंक्शन कैपिटल एफ से। अब जेनरेटिंग फंक्शंस क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे। जो कैनोनिकल ट्रांसमिशन की कंडीशन है ये, दिस इसको हम यूज करते हैं फॉर कैनोनिकल ट्रांसमिशन, फॉर कैनोनिकल ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएशन जो हमारा है दोनों लैग्रेंजियन का न्यू एंड ओल्ड टी वन टी टू एल डी टी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा टी टू एल प्राइम टी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, वेयर एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्यू के क्यू क्यू डॉट एन टी एंड एल प्राइम इज अ फंक्शन ऑफ क्यू के क्यू के डॉट। यहाँ पे हम बेसिकली टी के डिपेंडेंस को मूव कर देते हैं, टी का डिपेंडेंस नहीं रखते, जब हैमिल्टन प्रिंसिपल करते हैं उसमें टी का डिपेंडेंस हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ एल इज फंक्शन ऑफ क्यू क्यू डॉट क्यू क्यू डॉट एंड जो लैग्रेंजियन डिफाइन किया कर रहे हैं एंड आल्सो एल आपका डिफाइन होगा दैट इज पी के क्यू के डॉट का समेशन माइनस एच क्यू के पी के टी, और जो एल प्राइम डिफाइन होगा वह पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम क्यू के पी के टी। ठीक, अब हम दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं, कंबाइनिंग दीज टू वी कैन राइट एज डेल्टा टी वन टू टी टू एल माइनस एल प्राइम डी टी शुड बी जीरो, और एल एल प्राइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, के समेशन ओवर के है, समेशन ओवर के है, तो वी कैन राइट एज डेल्टा टी वन टू टी टू के पी के क्यू के डॉट माइनस एच माइनस समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसके क्वेश्चन नंबर दे दीजिए टू। ठीक, अब दो चीजें, फर्स्ट की हमने कंडीशंस को अप्लाई करके ये इक्वेशन निकाल लिया एल माइनस एल प्राइम ये हमारा आ रहा है। अब एक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है कि डेल्टा वेरिएशन कंडीशन है, उसको कंपेयर करेंगे इससे। कंडीशन ये है कि इन डेल्टा वेरिएशन डेल्टा किसी फंक्शन का अगर हम ऐसे कर रहे हैं एफ डी टी इज इक्वल टू जीरो है, ये तभी सेटिस्फाइड होगा, ये इन जनरल सेटिस्फाइड है जब आपका देखते हैं द कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड इन जनरल बाय satisfied in general by df by dt where f is an arbitrary function, where f is an arbitrary function. So
हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर, डेल्टा वेरिएशन अपर लोअर लिमिट हो गया आपके पास टाइम का, डी एफ बाई डी टी, डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसको क्वेश्चन नंबर हम थ्री कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर टू हो गया था, क्वेश्चन नंबर थ्री। सो आप कंपेयर कीजिए, तो थ्री और टू को कंपेयर करने पे क्या आएगा, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू, सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एफ बाई डी टी पी के क्यू के डॉट माइनस एच समेशन ओवर के माइनस पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम, या इसको क्वेश्चन नंबर फोर कर दीजिए। एंड दिस एफ इज कॉल्ड द फंक्शन एफ, फंक्शन एफ इज कॉल्ड जेनरेटिंग फंक्शन, कॉल्ड जेनरेटिंग फंक्शन। अब ये जेनरेटिंग फंक्शन क्यों कहलाता है, इसका आंसर हमें आगे मिलेगा। लॉजिक ये है कि दिस फंक्शन विल जेनरेट द कैनोनिकल ट्रांसमिशन, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड जेनरेटिंग फंक्शन। ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि कैसे जनरेट करेगा एफ को कैनोनिकल ट्रांसमिशन को। तो यहां पे हमारे पास एक और चीज डिस्कस करने के लिए कि देखिए जो कैपिटल एफ है वो फंक्शन किसका आ रहा है, कैपिटल एफ इज अ फंक्शन ऑफ नाउ क्यू के पी के क्यू के एंड पी के टाइम। सो और के आपका वन से एन तक जा रहा है, मतलब एक दो तीन चार फोर एन प्लस, सो टोटल नंबर वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आपके पास आने चाहिए जिस पे एफ डिपेंड करेगा, दैट शुड बी फोर एन प्लस वन होना चाहिए। मतलब फोर एन प्लस वन वेरिएबल्स पे एफ डिपेंड कर रहा है, मतलब एफ इज अ फंक्शन ऑफ फोर एन प्लस वन वेरिएबल। लेकिन सिंस क्यू के पी के एंड क्यू के पी के ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, आर रिस्ट्रिक्टेड बाय कैनोनिकल, रिस्ट्रिक्टेड बाय कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बचे वो कितना हो गया, टू एन प्लस वन, चूंकि ये पेयर आपस में रिलेटेड है तो हमारे पास इंडिपेंडेंट एक ही पेयर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ में देयरफॉर एफ मे बी रिगार्डेड एज द फंक्शन ऑफ टू एन प्लस वन वेरिएबल्स कंप्राइजिंग टी एंड एनी टू एन ऑफ पी के क्यू के पी के क्यू के। ठीक है, अब आपके पास जो आएगा तो हमारे पास चार पेयर बना सकते हैं इस नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेके, टू एन प्लस वन वेरिएबल्स को लेके। सो दस एफ कैन बी रिटेन एज, सो एफ therefore f can be written as, चार तरीके से इसको हम चार फॉर्म में कर सकते हैं। एक है f इज ए फंक्शन, उसको f1 कर देते हैं, q k t। सेकेंड फंक्शन हम ले सकते हैं f2, q k p k t। थर्ड फंक्शन ले सकते हैं हम p k क्यू के टी। फोर्थ फंक्शन ले सकते हैं हम एफ फोर पी के
PKT। तो ये चार फंक्शन हमारे पास आ गए। अब इनको हम वन बाय वन डील करेंगे, चार केस होगा ये करके डील करेंगे कि F1 में क्या आएगा, F2 वाले में क्या आएगा। फर्स्ट जनरेटिव फंक्शन हो गया F1, F2 इज सेकंड जनरेटिव फंक्शन, F3 इज थर्ड जनरेटिव फंक्शन, F4 इज फोर्थ जनरेटिव फंक्शन। तो केस वन पे आते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द केस वन। केस वन में क्या है, फर्स्ट जनरेटिव फंक्शन लेते हैं केस वन में। अगर इफ एफ वन जो आपका है क्यू के एम टी का फंक्शन, तो टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको लिखिए पहले। टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में क्या आएगा, डी एफ वन बाय डी टी के डेल एफ वन बाय डेल क्यू के डॉट के डी डेल एफ वन बाय डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एफ वन बाय डेल टी। हम लोग ये तरीका जानते हैं कैसे लिखते हैं पहले, क्लियर है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन नंबर इसको लिख दीजिए, कितना क्वेश्चन हमने ले लिया था पहले, इसके पहले हम कर चुके हैं इक्वेशन फोर तक गए हैं, इक्वेशन फाइव भी लेते हैं इसको, ठीक। अब इस इक्वेशन को किसके साथ हम लेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन कितना आया है, ये वाला टू, इक्वेशन टू जो आया है उसको यूज करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन टू, और इक्वेशन टू क्या था, सो देखिए इक्वेशन टू, अब देखिए ये रहा आपका इक्वेशन टू, यहाँ दिख रहा है ये इक्वेशन टू, ठीक। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली इक्वेशन टू में नहीं सब्ट्रैक्ट करके बेहतर होगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन फोर में, दिस इक्वेशन, ठीक। इंटीग्रेशन से बाहर हमने जो जनरेटिव फंक्शन में लेके आए, डी एफ बाई डी टी हमारे पास यहाँ भी है और डी एफ बाई डी टी यहाँ भी है, ये जनरल ले रहे हैं और फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ एफ वन एफ टू एफ थ्री फोर सबके लिए अप्लीकेबल है, तो हम इक्वेशन टू नहीं लिखे इक्वेशन फोर लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन फोर, तुम्हारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म है इसमें माइनस होगा, क्यू डॉट है तो आपके पास जो आएगा फर्स्ट टर्म पी के, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है पी के माइनस डेल एफ वन बाय डेल क्यू के डॉट माइनस पी के प्लस डेल एफ वन बाय डेल क्यू के डॉट प्लस, फिर क्या आ रहा है, दो एच बच गए तो आपका एच प्राइम माइनस एच माइनस डेल एफ वन बाय डेल टी, ये आपका सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन, ये आपका फोर का इक्वेशन में आपको तीन देखा था, इक्वेशन फोर क्या था, इक्वेशन फोर ये, ठीक। अब आइए इसी इक्वेशन फोर को हम बार बार यूज करेंगे, यहां भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करना होगा। तो अब देखिए ये हो गया, अब हमारे पास जो बचा वो क्या है, दिस इक्वल टू जीरो है,
समेशन ओवर हमारा हमेशा के आर है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अब ये इक्वेशन जीरो होने के लिए क्या है, क्यू सारे यहाँ क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू सारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हर एक इंडिविजुअल टर्म को अलग अलग जीरो होना पड़ेगा। तो इसको यही बात को लिखते हैं, सिंस क्यू के मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट इन ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इन न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम मे बी रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है पूरा जीरो तभी होगा जब ये इंडिविजुअली जीरो होंगे, ठीक। देयरफॉर ये फर्स्ट टर्म जीरो होगा तो क्या होगा, दिस जीरो इज इक्वल टू पी के इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, फिर पी के इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसमिशन स्मॉल पी के डेल डेल क्यू के मतलब पोजिशन कोऑर्डिनेट मोमेंटम कोऑर्डिनेट इन न्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज क्यू के टी एंड कैपिटल पी के इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू के टी एंड थर्ड एंड लास्ट इज एच प्राइम माइनस एच इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी एफ वन एंड एफ वन इज फंक्शन क्यू के एंड टी। तो ये जो इक्वेशन आ गया हमारा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको कैनोनिकल ट्रांसमिशन देगा, इक्वेशन नंबर 6 कर सकते हैं। तो इक्वेशन 6 प्रोड्यूसेस ट्रांसमिशन इक्वेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और ट्रांसमिशन इक्वेशन का हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन 1। दिस इज व्हाई एफ वन और इन जनरल एफ कर सकते हैं एफ इज नोन एज जेनरेटिंग फंक्शन, ठीक। ये आपका आ गया फर्स्ट का केस, जनरेटिंग फंक्शन हमने F1 केस 1 निकाल लिया। इसी तरह से हम F2, F3, F4 के ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं। ये हमारा F1 आ गया, अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम क्या हमारे पास था, केस 2 में था F1 जो फंक्शन है, F2 इज फंक्शन ऑफ क्यू पी एंड टी, ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट न्यू मोमेंटम कोऑर्डिनेट एंड टाइम। अब यहां पे हम यूज करेंगे एक टेक्निक जिसका नाम है लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, उसको लिखते हैं यूजिंग लेजेंड्रे फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। अब लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना भी आपको बता देते हैं कि लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन आर द मैथमेटिकल टेक्निक, दिस लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन आर द मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू चेंज द बेसिस फ्रॉम वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू अनदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, समझे ना।
एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करने का एक मैथमेटिकल टूल है ये ट्रांसफॉर्मेशन। इसके डिटेल में नहीं जाके हम यहाँ सिर्फ इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहें जिसको बाद में हम अगर कोई डाउट हो इसे जानना चाहें तो बाद में आपको समझा सकते हैं, बट इस पे यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का तो इतना यूज करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसको इसके डिटेल में नहीं जाना है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये आपको समझाते हुए मैं निकलूंगा, ठीक है। तो हमने एक सेट का कर लिया था, इसमें क्या है कि एक सेट का आपने निकाल लिया एफ का ट्रांसमिशन, एफ वन का ट्रांसमिशन हमारे पास क्या है। अब एफ टू को निकालना है तो एफ वन की मदद से हम एफ टू को निकालेंगे और वही हमारा लेजेंडरी ट्रांसमिशन यूज होगा। वी कैन राइट जो एफ टू है, एफ टू हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ पोजिशन, ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट, न्यू मोमेंटम कोऑर्डिनेट एंड टाइम। इसको हम इस टेक्निक को यूज करके ले सकते हैं कि दिस इज फंक्शन ऑफ पोजिशन, ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट, न्यू पोजिशन कोऑर्डिनेट, टाइम प्लस समेशन ऑफ जो चेंज कर रहा है पी और क्यू, ठीक है, दोनों में जो डिफर कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, यहाँ पोजिशन कोऑर्डिनेट, बाकी सारे सेम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं पी के एंड क्यू के विथ के, बस। अब देखिए एफ टू जो आपका है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, न्यू सेट ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स पे, क्या कैपिटल क्यू के पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहां से अगर आप डेरिवेटिव निकालना भी चाहें डी एफ टू बाई डी टी तो आपको जीरो आएगा, डी एफ टू बाई डी क्यू के कैपिटल क्यू के निकालेंगे तो आपको जीरो आएगा। कैसे, देखिए एफ टू अगर यहाँ डी एफ टू बाय कैपिटल डी क्यू लिखते हैं तो ये आपका डी एफ वन बाय कैपिटल डी क्यू के आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्यू के हो जाएगा डेरिवेटिव क्यू के का वन, सिर्फ पी के बचेगा। और देखिए फर्स्ट ट्रांसमिशन जो मेरे पास आया था यहाँ से देखिए डेल एफ बाय डेल क्यू के आया था माइनस पी के, तो आपके पास यहाँ एक आएगा माइनस पी के और ये प्लस पी के, माइनस प्लस आपका सेम है पी के जीरो हो जाएगा। तो डी एफ टू बाई डी क्यू के जीरो है, एफ टू कॉन्स्टेंट है, वो आपको यहाँ से दिख ही रहा है, तो उसका फंक्शन नहीं है, यहाँ से भी निकल जाएगा, उसको हम नहीं लिखते, सीधा आगे बढ़ते हैं। अब हम अगेन यूज करेंगे जो हमारा इक्वेशन जो हमने यूज किया था, इक्वेशन नंबर फोर जो भी वहाँ यूज करते आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर फोर आपका क्या है, जेनेटिक फंक्शन जहाँ से हमने स्टार्ट किया, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, इसको हम याद रखिए, इसी फंक्शन को हमेशा बार बार यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एफ वन में भी यूज किया था, इसमें यूज कर रहे हैं। अब देखिए डी एफ बाई इतना है, ठीक है, तो आप हम इसमें क्या करेंगे, सो देखिए इसको हम जनरल फंक्शन है एफ के जगह एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर सबके सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ एफ वन लिखते हैं और फिर एफ वन जो हमारे पास अभी आया है, सो यूजिंग इक्वेशन नंबर फोर है ना, यूजिंग इक्वेशन फोर क्या आ जाएगा, पी के क्यू के डॉट माइनस एच, ये डॉट कुछ नहीं है, एच समेशन ओवर के माइनस पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्राइम के इज इक्वल टू, यहाँ एफ के जगह हमने कर दिया डी एफ वन बाई डी टू, और डी एफ वन यहाँ से निकाल सकते हैं डी एफ वन, एफ वन क्या आ जाएगा एफ टू माइनस दिस, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम डी बाई डी टी एफ टू माइनस पी के क्यू के, अब इसी को आप यहाँ पे एक्सपेंड करिए और फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, सो इट विल कम जो डी एफ सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे डी एफ टू बाय डी टी, ठीक है, राइट साइड का जो फर्स्ट टर्म हमने लिए और बाकी सब टर्म को हम अगर एक साइड में ले जाते हैं तुम्हारे पास क्या आएगा, पी के क्यू के डॉट माइनस पी के क्यू के डॉट, ये तो था ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में,
ओवर की, ओवर की, और माइनस एच प्लस एच प्राइम माइनस एच प्राइम, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था ही। और राइट से क्या आया था, राइट से आएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय, ये रहेगा तो इधर हो जाएगा प्लस डी बाय डी टी पी के क्यू के, ये आपके पास आया था। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, एक इसमें सॉल्व कर दें, आगे से हम सब डायरेक्ट लिखते जाएंगे, क्यू के डॉट माइनस के पी के क्यू के डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच आया। और ये आपका जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा पी डॉट आएगा, सेकेंड टर्म करेंगे पी डॉट आएगा, क्यू के रह जाएगा, फिर पी के रह जाएगा तो क्यू डॉट आएगा, तो आपके पास आएगा प्लस क्यू के पी के डॉट और पी के क्यू के डॉट समेशन ओवर के। देख लीजिए कौन सा टर्म कैंसिल होगा, पी के क्यू के डॉट ये कैंसिल होने वाला है, तो बच क्या गया आपके पास, डी एफ टू बाय डी टी इज इक्वल टू आ गया पी के क्यू के डॉट प्लस क्यू के पी के डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच। इसको हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कितना था हमारा, सिक्स था, सेवन ले लेते हैं, सेवन। और एफ टू किसका फंक्शन है, एफ टू इज अ फंक्शन ऑफ न्यू ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट, न्यू मोमेंटम कोऑर्डिनेट एंड टी, एंड सिंस एफ टू इज अ फंक्शन ऑफ ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट, न्यू मोमेंटम कोऑर्डिनेट एंड टाइम, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं डी एफ टू बाई डी टी जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा डेल एफ टू बाई डेल क्यू के क्यू के डॉट डेल एफ टू बाई डेल पी के पी के डॉट प्लस डेल एफ टू बाई डेल टी और समेशन ओवर के है सबका। ये हो गया पाँच आठ सात हो गया था आठवां। अब कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस, दोनों हैं इक्वेशन सेवन और एट कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन सेवन एंड एट, वी हैव पी के क्यू के क्यू के डॉट को कंपेयर कर रहे हैं, तो पी के क्या जाएगा डेल एफ टू बाय डेल क्यू के, क्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एफ टू बाय डेल पी के एंड एच प्राइम माइनस एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एफ टू बाय डेल पी। तो ये हमारा हो गया जेनेटिक फंक्शन टू के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन नंबर नाइन हो गया। सिमिलरली हम केस थ्री और केस फोर का भी निकाल सकते हैं, आप थ्री और फोर में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, राइट स्टेप्स लिखूंगा क्योंकि प्रोसीजर वही है। तो केस थ्री में हमारे पास क्या था, केस थ्री में फंक्शन क्या है, एफ थ्री आपके पास डिपेंडेंस है ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट, ओल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट न्यू मोमेंट सॉरी ओल्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट न्यू पोजिशन कोऑर्डिनेट एंड टाइम। Using Legendre's same steps हैं, using Legendre transformation F3 आपके पास आ गया है पी के क्यू के टी एफ वन क्यू के सबको एफ वन से रेट करके निकालेंगे। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है, पी के क्यू को रिफर कर रहे हैं तो आपके पास पी के क्यू के यहाँ रख देंगे के, यहाँ से एफ वन निकालेंगे दिस आगे प्लस हो जाएगा। हाँ तो ना अगेन इक्वेशन फोर यूज करने पे, यहाँ पे हमने फोर यूज किया था ना, इक्वेशन फोर यहाँ भी वही करेंगे
यूजिंग डायरेक्ट मैं स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। यूजिंग इक्वेशन फोर वी हैव माइनस, स्टेप करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट कुछ स्टेप जंप कर रहा हूँ, क्यू के जो कि रिपीटेटिव है, सेम रिपीट कर रहे हैं, के पी के क्यू के डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच इजिकल टू डी एफ थ्री बाई डी टी, ये आपका 10 हो गया। और एफ थ्री डिपेंड कर रहा है जिसके उसके डिपेंडेंस को, एंड एफ थ्री का डिपेंडेंस के हिसाब से, सिंस एफ थ्री इज ए फंक्शन ऑफ पी के क्यू के एंड टी, तो टोटल डेरिवेटिव होगा डी एफ थ्री बाय डी टी इज इक्वल टू के डेल एफ थ्री बाय डेल पी के डॉट प्लस के डेल एफ थ्री बाय डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एफ थ्री बाय डेल टी इक्वेशन नंबर 11। अब 10 और 11 को कंपेयर करने पे हमारे पास फॉर्मेशन आ जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 10 एंड 11 वी हैव क्या आएगा, क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल एफ थ्री बाय डेल पी के एंड पी के इज इक्वल टू माइनस डेल एफ थ्री बाय डेल क्यू के एंड एच प्राइम माइनस एच इज इक्वल टू डेल एफ थ्री बाय डेल टी। तो ये आपका थर्ड जनरेटिंग फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से सिमिलर वे में वी कैन फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर फोर्थ जनरेटिंग फंक्शन, तो वो भी कर देते हैं, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बस केस फोर हम कर लेते हैं, यही लास्ट है। केस फोर में हमारे पास एफ का डिपेंडेंस किस पे है, इफ एफ इज एफ फोर इज ए फंक्शन ऑफ पी के कैपिटल पी के एंड टी, ठीक। तो अगेन यूजिंग लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो आएगा एफ फोर पी के कैपिटल पी के टी, यहाँ पे बस यही एक है कि लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सा आपका आएगा एफ वन और दोनों में, जो देखिए ट्रिक याद रखना है कि क्या डिफर कर रहा है, क्यू के क्यू के टी, यहाँ पे दो टर्म डिफर कर रहे हैं ये दोनों, इसको हम पी के कैपिटल पी के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के नंबर के और एक टर्म माइनस कर देंगे स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के, ठीक। यहाँ पे फिर हम इक्वेशन फोर यूज करने पे, यूजिंग इक्वेशन फोर हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं डी एफ फोर बाय डी टी, जो हमारे पास आएगा वो आएगा के क्यू के पी के डॉट माइनस के क्यू के पी के डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच, इक्वेशन नंबर हमने लिख दिया 12th। और एफ का जो फंक्शनल डिपेंडेंस है, सिंस एफ फोर इज ए फंक्शन ऑफ पी के टी, देयरफॉर डी एफ फोर बाय डी टी जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा समेशन ओवर के डेल एफ फोर बाय डेल पी के डॉट प्लस डेल एफ फोर बाय डेल पी के डॉट प्लस डेल एफ फोर बाय डेल टी। अब इक्वेशन 12 एंड 13 को आप कंपेयर करके लास्ट जनरेटिंग फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं, कंपेयरिंग
इक्वेशन 12 and 30 वी हैव, तो क्यू के आपके पास आया दैट इज डेल एफ फोर बाय डेल पी के हो गया, और जो स्मॉल क्यू के आ रहा है वो जाएगा माइनस डेल एफ फोर बाय डेल स्मॉल पी के, एंड एच प्राइम माइनस एच इज डेल एफ बाय फोर बाय डेल टी। ये आपका फोर्स जनरेटिंग फंक्शन का के डी ट्रांसमिशन इक्वेशन, ये मेरा कैनोनिकल ट्रांसमिशन खत्म, और साथ ही हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया। यहाँ पे एक चीज दो और बातें हैं, टाइम हमारा ओवर हो रहा है, 40 मिनट हो चुका है, तो सिर्फ दो पॉइंट हम नोट करेंगे जो कि आपका कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट तो आगे से आपको काम पड़ेगा। हाँ, बट यहाँ पे हम एक पॉइंट जो आता है ऑब्जेक्टिव में उसको लिख देते हैं कि आप ट्राई करके देखिएगा, पॉइजन्स ब्रैकेट्स आर पॉइजन्स ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है, आप प्रूव करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। पॉइजन्स ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकेंड फैक्ट है जो कि आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाना है, कि कोई भी जो ट्रांसमिशन दिया है वो कैनोनिकल होगा, उसके कंडीशन क्या होगा। तो किसी भी कैनोनिकल ट्रांसमिशन का कैनोनिकल होने का कंडीशन है ये कंडीशन है आपके पास डी एफ के पी के डी क्यू के माइनस के पी के डी क्यू के, मतलब फॉर ए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल पी के डी यू के पी के डी क्यू के मस्ट, ये क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होना चाहिए, ये जो आपका है समीशन ओवर के है, दिस शुड बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, उसका डिफरेंशियल निकालने का तरीका है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ये कंडीशन आपको याद रखना, कंडीशन आए तो ये आगे आप पढ़ेंगे, इसमें से इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आगे पढ़ना होता है ये सिलेबस पे। यहाँ पे तो आपके सिलेबस में मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट एम एस सी लेवल पे एक क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक, चलिए ऐसे भी हमारा टाइम काफ़ी हो गया है, अगर कोई दिक्कत हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे हर बार की तरह ही बोलूँगा कि ये सेक्शन फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आप अगर जितना कमेंट आएगा आपका, जितना प्रॉब्लम आएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, ओके बाय।